शाहीन शाह अफरीदी इज द बेस्ट बॉलर इन द वर्ल्ड राइट नाउ एज ऑफ टुडे ही इज कह के आउट करता है बंदा कह के आप भी भाई साहब आप भी भाईजान आज मैं गली में एक जप्फी डाल लूंगा कल लेकिन मैं आपके डंडे पे मारूंगा कह के और आपको 12 महीने उसका खौफ रहता है यू कीप प्लेइंग दैट इन योर माइंड बोला निखिल ने कि वो बात कर रहे हैं रोहित ऐसे आउट होंगे वो ऐसे आउट होंगे बात हो रही थी ना नहीं, वो तो देखिए हम आपने उनको एडवांटेज क्यों दिया आप रस्टी आए हो आप बिना क्रिकेट खेले आए हो मुंह उठा के आ गए आपने आम करते हैं जी बैटिंग और भाई पहला आधा घंटा आप उनको कहो आप आओ बैटिंग हमारे बुमराह जी बॉलिंग करेंगे शायद आप भी दो आउट कर देते इट वॉज अबाउट द न्यू बॉल पर आजम 3 साल से पाकिस्तान के मीडिया में गालियां ही खाता है बेचारा वो टीम जीतती है उसकी कप्तानी में तब भी बाबर को कहते हैं इसको क्या हरा दिया 100 बनाता है ये क्या 100 हुआ 90 बॉल में 100 हुआ ठीक है बट बाबर ने ये भी फेस किया ये पर्ची का दोस्त है ये इसके दोस्ती करता है बाबर ने टीम वो बनाई बाबर आजम ने मैच से पहले का येलो 11 ये है इंडिया ये है इंडिया ने 11 की अनाउंस नहीं बाबर आजम का येलो 11 है हिम्मत आ जाओ वही है ना सर धीरे धीरे टीम आज बाबर यंग टीम बनाई आपने बिल्कुल आपके कोच और आपकी मैनेजमेंट अब सिलेक्टरों को भी क्या बोले सिलेक्टरों की तो चलती भी नहीं होगी देखो एक होता है ना एक होता आउट करना एक होता है आप इंडियन मीडिया हो आप इंडियन मीडिया हो या इंडियन प्लेयर हो या जो भी हो फैंस हो आप एक महीने से किसकी बात कर रहे हो शाहीन तो यही तो खौफ है जो वसीम अकरम के लिए था एक टाइम पे वो शाहीन शाह अफरीदी के लिए था और बैट्समैन आपके खौफ में भी आउट हुए रोहित शर्मा का पैर नहीं आया विराट वहां से ले आया बिना पैर चलाए और आपने जो आबरियाज के साथ भी बात की उन्होंने भी तो यही बोला था कि बंच में बोला था रोहित शर्मा को बंच में लेके जाते हैं उन्होंने बोला रोहित शर्मा को आउट करना है बस चपेड़े मारी जाएंगी भाई साहब वेक अप मैं 2-3 साल से T20 का रोता रोता मर गया मैं तो कुछ भी नहीं हुआ था फैन हूं मैं तो एक फैन हूं मैंने कहा T20 नहीं है बॉस फ्यूचर आज भी आप वहीं पर खड़े हो आज भी कौन सा प्लेयर है जो कहता है कि मैं T20 नहीं खेलूंगा सब खेलना चाहते हैं परफॉर्मेंस है नहीं पाकिस्तान टीम है इनका वर्ल्ड क्लास बोलिंग अटैक है बाबर आजम एक वर्ल्ड क्लास बैटर ये टीम जो है ना बाय द वे ये टीम है उन खिलाड़ियों से बनी हुई है जिसके पास वो एबिलिटी है टू पंच अबव देयर वेट रोहित से कंपेयर करोगे तो कहोगे यार उनके बल्लेबाजों का स्किल सेट थोड़ा कम है नीचे बाबर का स्किल सेट कम है इवन नहीं नो सॉरी सर पर कंसिस्टेंसी तो लेके आए हो तजुर्बा कम है तजुर्बा कम है नहीं अगर स्किल में नापेंगे स्किल तो बाबर का नहीं एक मिनट बाबर का स्किल किससे कैसे कम बाबर की बात नहीं कर रहा जो बंदा 100 बना रहा है हाँ। जो बंदा इमाम का स्किल कैसे मैं वही कह रहा हूँ कि वो कंसिस्टेंट कंपैरिजन दीजिए इमाम का स्किल किससे कम नहीं मेरा ये कह रहा है बाबर से बाहर है सॉरी कम है मैं ऐसे टीम पूछ रहा हूँ हमें वही कह रहा है अगर अपनी टीम में इमाम को लेना पड़ेगा इमाम को लेंगे आप किसको लेंगे हिंदुस्तान बांग्लादेश में भी हार के आया ऐसी टीम तो नहीं दी थी हमने ऐसी टीम तो नहीं इनको पकड़ाई थी राहुल द्रविड़ को कि जाओ बांग्लादेश में भी हरवा के आ जाओ एंड आई डोंट नो जिस बिना पर जिस पिलर पे राहुल द्रविड़ खड़े हुए थे जहां पे उन्होंने खुद अपनी क्रिकेट खेली एज कोच वो क्यों उल्टा चलते हैं मैं आई फेल टू अंडरस्टैंड ये वही राहुल द्रविड़ है यार बट क्या हो गया इनको कहां गया ये सारा क्रिकेटिंग दिमाग आज आपका 17 चैंपियंस ट्रॉफी पहला आधा घंटा कौन बैटिंग कर रहा था फाइनल में हाँ फाइनल में पाकिस्तान ना पाकिस्तान पहली बैटिंग पाकिस्तान तो आधा घंटा कौन जीता पहला वही जीता उनका बुमराह वो नो बॉल का हो गया वो मैच फिर हम खेले 19 वर्ल्ड कप में उसमें पहला आधा घंटा कौन जीता रोहित शर्मा और राहुल अब मैच जीत गए वापसी नहीं कर पाया सामने क्योंकि वो 140 अब फिर 2021 दुबई में उन्होंने पहले ओवर में मैच खत्म कर दिया आप वापिस आए नहीं आ पाए उसके बाद एशिया कप दोस्तों आपने देख ही लिया उग्रान गुप्ता सर ने जो पाकिस्तान और इंडिया के मैच के बाद जो अपने रिएक्शन दिया है और शाहीन शाह अफरीदी की बॉलिंग पर जो कहा उन्होंने बोला कि आधा घंटा जिसने भी अच्छी गेंदबाजी किया जिसने अच्छी बल्लेबाजी की वही टीम मैच जीतती रहती है दोस्तों आपकी क्या राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताना और आप मेरे चैनल पर पहली बार कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना और साथ साथ इंडिया और पाकिस्तान के होने वाले मैच में भी शाहीन शाह अफरीदी क्या इसी तरह की गेंदबाजी कर सकते हैं